हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्मार्टफोन न्यूज़। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नोकिया 6 के बारे में और ये अपडेट, और नोकिया 5 में भी। तो अभी मैंने नोकिया 5 में और ये फाइल जो है वो डाउनलोड कर लिया है, जो कि ऑफिशियली आज नोटिफिकेशन में मुझे शो किया गया है। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था नोकिया 5 में और नोकिया 6 में किस तरह आप ऑरियो बीटा इंस्टॉल करें, वो भी नोकिया के वेबसाइट पर जाके ऑफिशियली। अभी नोकिया ने ऑफिशियली पब्लिश कर दिया है ऑरियो अपडेट्स ऑन नोकिया 6 एंड नोकिया 5। तो इसे किस तरह इंस्टॉल करें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो देखते रहिए। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे मुझे सॉफ्टवेयर अपडेट अवेलेबल बताया जा रहा है, तो उसी तरह मॉर्निंग में मुझे इंस्टॉलेशन के लिए बताया जा रहा था, तो मैंने इंस्टॉल किया था। यहाँ पे आप देखते हैं मेरा फोन में अभी भी अबाउट में 7.1.2 दिखाया जा रहा है, जो कि अभी नॉकेट है। फाइल जो सिक्योरिटी पैचेस है वो जनवरी का है, और सॉफ्टवेयर अपडेट में जाकर अगर मैं देखता हूँ तो मेरे फ़ोन में जो है सॉफ्टवेयर का अपडेट्स में 8.0 जो कि है डाउनलोड हो चुका है, और मुझे रिस्टार्ट इंस्टॉल करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसी तरह आप अपने मोबाइल में भी चेक कर लीजिए अपने नोटिफिकेशंस को, और एक बार सॉफ्टवेयर अपडेट चेक करिए, क्योंकि नोकिया ने ऑफिशियली अभी ऑरियो जो है रन करना चालू कर दिया है नोकिया 5 और नोकिया 6 के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल्स को।